नहीं दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना चाहते हैं पुलिस में, ठीक है, तो आपके लिए भाई वैकेंसी आ चुकी हैं। बहुत बड़ी खबर है, जल्दी देखें। यूपीपी में नौकरी पाने का अंतिम अवसर, जी हाँ, यूपी पुलिस में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो ये जो 2022 का जो साल है ना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। इसमें आप सभी को पता है कि 26,000 वैकेंसी पुलिस की आने वाली हैं, 800 कुछ वैकेंसी SI की आने वाली हैं, और एक और दूसरी वैकेंसी जो कि आज ही उत्तर प्रदेश पुलिस की, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो UPASI से रिलेटेड ही आंसर की जारी की गई है यहाँ पर। और एक नीचे नोटिस आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 66 पद, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 143 पद एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 34 पदों पर सीधी भर्ती भरे जाने हेतु ओपन टेंडर माध्यम की निविदाएं आमंत्रित किए जाने हेतु के संबंध में नोटिस आया है 31 तारीख की डेट में। तो दोस्तों, आप सभी को एक बात पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड 26,000 वैकेंसी से रिलेटेड बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है। तो आपको ये बात भी पता है कि एक बार न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि जुलाई में लगभग उसका पेपर हो जाएगा। तो एक और वैकेंसी देखने के लिए मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस की। अगर आप इस नोटिस पर क्लिक करते हैं तो नोटिस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा आप कहाँ जाएंगे, नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है और आपको क्या करना है। भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, इन सभी भर्ती जितनी भी रहने वाली हैं, चाहे वो UPSI की हो या UPASI की हो या फिर UPP की कांस्टेबल की हो, 26,000, तो सभी का सिलेबस लगभग लगभग सेम ही रहने वाला है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये जो 2022 है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर किसी भी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टेंडर से रिलेटेड क्या है कि जैसे भर्ती निकालनी है भर्ती बोर्ड को, तो सारी इसने प्रक्रिया बता दी है, कितनी भर्ती निकलेगी, कितने बच्चे इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, मतलब कितने बच्चे इसमें फॉर्म भरने वाले हैं, सारी चीज़ें भर्ती बोर्ड ने बता दी हैं। और टेंडर के लिए भाई आमंत्रित कर दिया है कि कंपनी आओ और आप टेंडर लीजिए और इस भर्ती को कम्प्लीट कराइए। इसका मतलब ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, 26,000 की भी बहुत जल्द आने वाली है, यूपी पुलिस SI की भी फिर से आने वाली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक गोपनीय के 66 पद और ये सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं कि उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन माध्यम CBT से संपन्न कराई जाएगी, मतलब जो भी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी CBT के माध्यम से। उक्त भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से समक्ष कार्यदायी संस्थाओं को निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु RF, मतलब ये सारी डिटेल लिखी हुई हैं, इसका मतलब 11 चाल तक ही स्वीकार किया जाएगा। 11 अप्रैल तक क्या है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, पेपर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब सारी चीज़ें सिलेबस वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो सिलेबस इसका वही रहने वाला है जो पिछली वाली भर्ती में रहेगा, सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं, हिंदी भी आएगी, UPGK भी आएगी, मैथ रीजनिंग, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, साइंस वगैरह। तो आप सारे सब्जेक्ट जितने भी, इन सभी को पढ़ते रहें। तो इसमें टाइम बताया गया है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी, 25/4/2022 तक। तो ये भर्ती भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की ये आने वाली है बहुत जल्द। और सारी पोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये SI की 66 पोस्ट हैं, ASI मिनिस्ट्रियल की 133 पोस्ट हैं, ASI अकाउंट से रिलेटेड 34 पोस्ट हैं, टोटल 243 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इन्हीं के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि 26,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, लगभग मई में इसके क्या है भाई फॉर्म आ जाएंगे, मई में पूरे चांसेस हैं कि इसके फॉर्म आ जाएँ। उसके बाद में 800 कुछ या 900 कुछ वैकेंसी किस में आने वाली हैं, UPSI में आने वाली हैं, वो भी जल्द देखने के लिए मिलेंगी, और 243 ये पोस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, मेरा बताने का भाई यही है, क्योंकि मौका ये फिर आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ये वैकेंसी नई आने वाली है, 26,000 वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की आएगी, ये SI से रिलेटेड आएगी, और UPSI की भी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अंतिम अवसर है, फिर आपको अवसर नहीं बचेगा भाई एक भी, क्योंकि ये तीनों वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, मुलाकात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।